HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हम इस वक्त हैं हुड्डा बाईपास पे और आपको दिखाएं ये वो झुग्गियां हैं जो शांति लोक के सामने हैं और यहाँ पर शांति लोक के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, वो भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। इनसे भी एक बार जानते हैं किस तरह की ये लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से जो है झुग्गियों में भोजन वितरित कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी रूपरेखा दिखे। वो सामने आपको दिखाएं वो शांति लोक है, शांति लोक में भी वहाँ कढ़ाव चल रहा है, क्या कुछ बना है शाम का खाना एक बार जानते हैं शांति लोक वालों से क्या तैयारी है। जनाब आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप इन झुग्गियों में डालें खाना पहुंचाएं? हमको तो क्या है, हम तो यही रहते हैं और हम इनको रोजाना जो बांटने वाले आते थे, जो थोड़ा बहुत बांटते थे उनके पीछे एक हुजूम के माफे के पीछे पीछे दौड़ते थे, इसलिए हमने ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम इनकी सेवा में अपने यही एक ऐसा प्रोग्राम करें ताकि कोई दूसरे लोग यहाँ ना आए और ये लोग भी इतनी भीड़ ना करें। आप लोगों ने कब से बांटना स्टार्ट किया? हमने 2 तारीख से बांटना स्टार्ट किया, 2 तारीख से यानी कि 2 दिन हो गए, यानी कि 3 और 4 आज पांचवा दिन है। पांचवा दिन हम सुबह और शाम लगातार इनके खाने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और इनको सुबह 9:30 से 9:30 और शाम को 6 बजे इनको खाना अपने घर पे ही उपलब्ध करवा देते हैं। क्या चीजें आप देते हो इनको सुबह शाम दोनों टाइम? सुबह हम इनको सब्जी पूरी और इसके अलावा रोटी सब्जी, शाम के टाइम हम इनको लाइट फूड देते हैं, खिचड़ी चावल या इस तरह का राजमा चावल। इससे पहले यहाँ तो समाज सेवी संस्थाएं देके जा रही थी, शाम सेवा मंडल वाले थे और थे काफी सारे लोग थे, या आपका प्रशासन से कोऑर्डिनेट हुआ कि आप लोग भी यहाँ दीजिए? ये हमारा प्रशासन से कोऑर्डिनेट हुआ, प्रशासन ने हमको इसी जगह की जिम्मेवारी सौंपी और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। और कोई संस्था नहीं आ रही और इसके हमारे अलावा कोई दूसरी संस्था यहाँ अब नहीं आ रही है, तो देखिए 2 तारीख से पहले यहाँ और लोग देखे जा रहे थे, जैसे जैसे कारवा बढ़ा समाज सेवी संस्थाएं सामने आने लगी, प्रशासन ने धीरे धीरे सब चीज अपने हाथ में ले ली और बाकायदा एरिया वाइज बांट दिया। आपको दिखाई, देखिए ये तमाम वो लोग हैं, यहाँ पहले और संस्थाएं डाल रही थी, अब इन लोगों को खाना देने के लिए आ रही थी, अपने अपने घरों से पैकिंग करके लेके आ रही थी, समाज संस्थाएं लगातार लगी हुई है। आपको बता दें जब से लॉकडाउन हुआ है रेवाड़ी की समाज सेवी संस्थाओं ने कहीं ना कहीं इतना बड़ा मुंह खोला है, आगे बढ़ के लोग आए हैं और लगातार इन लोगों की जिनके पास रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया उन लोगों की मदद के लिए, मतलब कहीं क्या कहेंगे, प्रशासन को भी अपने स्तर पे करना चाहिए था, प्रशासन को अपने स्तर पे और भी करना चाहिए। और तो मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आजकल, मतलब मुझे नहीं मालूम कि वो आजकल कहाँ हैं, बट इस हमें संकट की घड़ी में देश के साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए। मैं सोसाइटी के मेंबर मैनेजमेंट का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने तन मन धन से एक ही किसी आदमी ने बोला कि इसको हम स्टार्ट करें, सभी ने एक ही आवाज़ में उठाया इन लोगों का जिम्मा हम सोसाइटी लेंगे और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूं। नहीं, चुनाव के बाद आपने देखा होगा लगातार कार्यालय खुल जाते हैं, टिकट के लिए दावा किया जाता है हम बड़ी बड़ी समाज सेवा करेंगे, आज वो समाज सेवी कहाँ लगता है आपको, कहीं है वो समाज? मैं समझता हूँ कि प्रशासन का रोल भी एक लिमिटेड तक है, जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं इसमें शांति लोक सोसाइटी है, लाइन्स है, रोटरी, जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपना काम बखूबी कर रही हैं और इन लोगों के चेहरे पर अगर आप देखोगे जो मुस्कान है वो हमें कहीं ना कहीं एक पुण्य का काम, हम लोग भागीदार बन रहे हैं और हम अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। पूरी तरह संतुष्ट है, देखिए वो लोग भी रोजगार गारंटी जहाँ लग जाता बाब जहाँ जाते थे एक महीना रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? कितने सालों से रह रहे हो? 3 साल हो गए रहते हैं, यहाँ रहते हुए किराया दे रहे हैं झुग्गियों का? भाई पहले तो काम कर देते थे, अभी तो नहीं ले रहे हैं भाई। तो कौन इन झुग्गियों का मालिक है जो बना रखी है जमीन, है कोई मालिक? वो यहाँ मालिक है, साहिल है। अच्छा साहिल है, उसकी जमीन है सारी है। अच्छा भाई अब तो भाई बहन की होगी जमीन इनकी, तो वो आपकी परवाह नहीं करता? करता है, किराया लेता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रोज दे रखा है सारे हमारा करा करा पानी फेर रहे हो तुम तो। ये चीजें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये चीजें सामने निकल के आइए। देखिए झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और इन लोगों को तमाम जो है शांति लोक वाले लोग हैं, प्रशासन को आगे आना चाहिए था पहले प्रायोरिटी पे, लोगों सरकार आए ना आए हम करेंगे।
अब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जब तक करेंगे जब तक इनको जरूरत रहेगी, जरूरत रहेगी बिल्कुल। अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो लगातार हम लगे रहेंगे। कब से आप लोगों ने शुरू किया? आप लोगों ने पास दो से लॉकडाउन तो 25 तारीख से लग गया था। नहीं, हमारी तैयारी नहीं थी, हमने जब तैयारी की पता लगा लोग दूसरे जगह से आ रहे थे, उनको पूरा खाना नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम करें शुरू। सूखे राशन से क्या होता है कि जो भी आते हैं उनका स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, फिर कोई बड़ा हुआ आता है तो उसके पीछे भागते हैं ये, इसलिए सबका देना बंद कर दिया। ये भगदड़ सी मचा करती तो हम सब सोसाइटी के बाहर देखते हैं तो बैठ के सोचा कि यही उनको सब कुछ चालू करते तकरीबन 300 सवा 300 यहाँ झुग्गी है, 275 है, कुछ डाई हवा से 25-30 उधर से आ रहे हैं, कुछ और भी जो भी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे बढ़ा रहे हैं, खा ही नहीं जाने। ये चीजें दर्शा रही है कहीं ना कहीं जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भोजन की जरूरत है, सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन समाज सेवी संस्थाओं ने भीड़ा उठाया है वो कहीं ना कहीं सरकार की लिए पूरी तरीके से हेल्प कर दी है, प्रशासन को पूरी तरीके से हेल्प कर दी है। इन झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, ये मजदूर लोग हैं और इनका काम धंधा अब है नहीं, समाज सेवी संस्थाओं ने सीधा सीधा कह दिया है जब तक रहेगा ये लोग इनकी मदद करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज़, रेवाड़ी।